भेड़िया मूवी का ट्रेलर आया है और मैं इस मूवी के बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए क्योंकि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मेरे फेवरेट डायरेक्टर में से एक अमर कौशिक ने, जिन्होंने इससे पहले भाला और स्त्री जैसी बेहतरीन फिल्में डायरेक्ट की है। तो चलिए करते हैं भेड़िया मूवी के ट्रेलर का ब्रेकडाउन। वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू डीसी और फिल्मों की हर खबर का, जस्ट अ रिव्यू। ट्रेलर की शुरुआत होती है अरुणाचल प्रदेश के सीनिक ब्यूटी के साथ। ये फिल्म पूरी की पूरी अरुणाचल प्रदेश के जीरो, सागरी और पार्ट्स ऑफ पैके केसांग डिस्ट्रिक्ट में शूट हुई है। ये फिल्म आयुष्मान खुराना के अनेक फिल्म के बाद दूसरी हिंदी फिल्म होगी जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में शूट हुई है पूरी की पूरी। ये अच्छी बात है कि फाइनली फिल्म मेकर्स अनसीन अनटच सीनरीज में जाकर अपनी फिल्मों को शूट कर रहे हैं, जो इन फिल्मों को एक अलग फील देता है। एक बात बता दूं, ये सारे के सारे ट्रेलर में वरुण धवन के बम को इतना बार दिखाया गया है, इस फिल्म का टाइटल बम भेड़िया होना चाहिए था। मस्त जोक मारा कुछ भी। फिल्म का कॉन्सेप्ट वेयरवुल्फ जॉनर पर आधारित है, जिस जॉनर को हॉलीवुड फिल्मों ने बहुत बार सक्सेसफुली अनसक्सेसफुली अटेम्प्ट किया है, जिनमें शामिल है रिसेंटली रिलीज मार्वल स्पेशल वेयरवुल्फ बाय नाइट। हिंदी फिल्मों में जानी दुश्मन जिसमें संजीव कुमार थे, वो वेयरवुल्फ बने थे उस फिल्म में। ये शायद वरुण वेयरवुल्फ कैसे बनता है ये सीन में दिखाया जा रहा है। हालांकि राइटर नीरेन भट्ट ने इस फिल्म में वुल्फ बनने के बाद क्या क्या पावर्स इंस्टिंक्ट मिले हैं हीरो को, यह भी इन डिटेल दिखाया होगा, कुछ पोर्शंस को देख के समझ में आ रहा है। क्योंकि ये फिल्म मैडॉक की फिल्म है, एक्सीलेंट एक्टर अभिषेक बैनर्जी को भी लिया गया है ह्यूमर डालने के लिए एज हीरोज मैंडेटरी फ्रेंड। यही रोल उन्होंने स्त्री फिल्म में भी किया था। उनके साथ ये एक्टर है एक लोकल अरुणाचली एक्टर जिसका नाम है जोमिन। इनफैक्ट इस फिल्म के कास्ट में मैक्सिमम एक्टर्स अरुणाचल प्रदेश के ही हैं। और इस फिल्म का थीम सॉन्ग भी अरुणाचली रैपर K4 खेको ने गाया है। मैडॉक फिल्मों के प्रिस्क्रिप्शन में मैंडेटरी दवाई दीपक दोबरियाल भी है इस फिल्म में अपने ह्यूमर का तड़का डालते हुए। उसी के बाद वरुण के किरदार का पूरा एवोल्यूशन इनटू अ वेयरवुल्फ दिखाया जाता है। पीठ पर बाल बन रहे हैं और फिर से वरुण के बम का क्लोजअप, कुछ भी पूछ निकलता है और फिर दिखता है इस ट्रेलर का मेरा सबसे हिलेरियस मोमेंट। अब आते हैं हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े दुश्मन पर, ट्रोल्स या बॉयकॉट गैंग नहीं, स्पेशल इफेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स परफेक्ट है, पर क्योंकि ये आदि पुरुष के तरह पूरा का पूरा स्टूडियो में शूट नहीं किया गया है, इसलिए इतना बुरा नहीं लगता। मैक्सिमम शॉट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि ये मेरा फेवरेट शॉट है इस ट्रेलर में, पर कुछ हाफ बेक लगे मुझे, या ये कहूँ कि कार्टूनी लगे मुझे, पर वो थोड़े बहुत ही क्लिप्स में लगता है। फाइनली इस सीन में वरुण के बम में फिर से पॉइंट करता हुआ किरदार, फिर जंगल बुक टीवी सीरीज के इस आइकॉनिक गाने का, इतना हिलेरियस इस्तेमाल कभी नहीं देखा मैंने। अब मैं कुछ ऐसा बोलने वाला हूँ जिसमें स्पॉइलर हो सकता है, तो नहीं सुनना चाहते तो ये पार्ट स्किप कर दो और मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। क्या इच्छाधारी नागिन, जिसका रेफरेंस दीपक डोबरियाल ने किया है इस फिल्म के ट्रेलर में, वो है इस फिल्म की विलन। एक सांप इस क्लिप में दिखता तो है, तो ये हो सकता है। मेरी एक और क्रेजी थ्योरी है इसके बारे में, कृति सैन के किरदार के इर्द गिर्द बहुत सारी मिस्ट्री देखने को मिलती है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि कृति इस फिल्म में इच्छाधारी नागिन हो। ये एक थ्योरी है, हो सकता हो कि मैं गलत हूँ, पर कृति के कई शॉट्स मिस्ट्री वाला फील देते हैं। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर। मैडक का हॉरर कॉमेडी फॉर्मूला, वरुण धवन कृति सैनन की स्टारडम, अरुणाचल की खूबसूरती, टॉप इट ऑल अमर कौशिक की मास्टरी, जिन पर मुझे पूरा भरोसा है। फिल्म रिलीज हो रही है 25 नवंबर 2022 को। रिसेंट वीडियोस आखिर में है, जैसे ब्लैक एडम रिव्यू नो स्पॉयलर्स वीडियो और ब्लैक एडम मिड क्रेडिट सीन ब्रेकडाउन वीडियो, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे बॉलीवुड ट्रेलर ब्रेकडाउन के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। और जस्ट अ रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए @ProNerdyView201 में। और इंग्लिश रिटन रिव्यूज और चैनल अपडेट्स के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं ProNeetDiary.blogspot.com में।